हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में यंग मदर मूवी को रिव्यू करूंगा। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि अपने ही सौतेली माँ से प्यार करने लगता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें हमारा ठरकी हीरो, जिसका नाम जुवान होता है, वो दिखाया जाता है और वो अपने बाप के साथ रहता है, क्योंकि मूवी में उसके माँ के बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है और मूवी भी कोरियन में थी, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। आगे मूवी में हमें जीवन की एक दोस्त दिखाई जाती है और वो जीवन के साथ बियर पीती है और जीवन के रूम में ही सोती है। जीवन के दोस्त ने शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहना होता है और सोते हुए उसका टी शर्ट थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये देखकर जीवन थोड़ा बहक जाता है। आगे जीवन का बाप ऑफिस से घर पर आ जाता है। जीवन उसके बाप को मिलने नीचे जाता है, तभी हमें पता चलता है कि जीवन की दोस्त दरअसल जगी होती है, वो बस सोने का नाटक करती है। आगे जीवन का बाप अकेले रहकर उदास होने लगता है, इसलिए वो एक औरत से शादी करता है और उसे अपने घर लेके आता है। वो औरत भी बहुत खूबसूरत होती है। जीवन उसे देखकर थोड़ा बहक जाता है। जीवन का बाप उसको और उसके बेटे को मिलवाता है और बताता है कि यह आज से तुम्हारी नई माँ है। अगले दिन जब जुआन नहा के अपने कमरे में आता है, उसके कमरे में उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उसे बिना कपड़ों के देखती है और भाग जाती है। जुआन का बाप उसकी माँ को रोज पेलता है, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जुआन को उसकी नई माँ से अट्रैक्शन होने लगता है और वो उसकी नई माँ को अपने सपने में देखता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, और ये सब वो अपने लैपटॉप में लिख कर रखता है। अब जुआन उसकी नई माँ को पटाने के चक्कर में रहता है और उससे दोस्ती कर लेता है। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जीवन से रहा नहीं जाता और उसकी नई माँ को प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे यह सब करने से मना करती है और उसे वार्निंग देकर कहती है कि वो ऐसी बातें उससे ना करे। लेकिन जीवन भी मन ही मन ठान लेता है कि वो तो उसको पटा कर ही रहेगा। जीवन उसकी माँ के मना करने की वजह से दुखी होता है, इसलिए वो उसकी माँ को जलाने के लिए उसके दोस्त, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, उसे घर पर बुलाकर रोज पेलता है। लेकिन जीवन अभी भी उसकी माँ के बारे में सोचना बंद नहीं करता। आगे उसकी माँ जीवन का लैपटॉप देख लेती है, जिसमें जीवन ने उन दोनों के बारे में जो भी लिखा होता है वो सब वो पढ़ लेती है। लेकिन जीवन उसकी माँ को पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है। जब रात होती है और जीवन का बाप घर पर आ जाता है, तब जीवन उसकी माँ को ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो जीवन की माँ उसे मना करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मज़ा आने लगता है और वो भी जीवन को किस करने लगती है। आगे जीवन का बाप उन दोनों को ढूंढते हुए जॉन के रूम की तरफ बढ़ता है, तभी उन दोनों को उसके बाप के कदमों की आहट सुनाई देती है और जॉन की नई माँ रूम के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। अब वो दोनों बस एक ही इंतजार करते हैं कि कब उसका बाप काम पे जाए। जैसे ही उसका बाप काम पे निकल जाता था, उन दोनों का पेलम पाल चालू हो जाता था। आगे जॉन की दोस्त उन दोनों को पेलम पाली करते हुए पकड़ लेती है और फिर वो दोनों उसको समझा कर फिर थ्रीसम करते हैं। लेकिन तभी जॉन का बाप घर पर आ जाता है और उन लोगों को मोबाइल दिखाता है। मोबाइल में एक वीडियो रहता है और वो उसे प्ले करने को बोलता है। जब जीवन उस वीडियो को प्ले करता है, उसमें हमें दिखता है कि जीवन, इसके दोस्त और जीवन की नई माँ, वो तीनों थ्रीसम करते हुए उस वीडियो में दिख रहे हैं। जीवन का बाप उन्हें पकड़ लेता है और बताता है कि कैसे उसे उन पर शक हुआ और उसने घर में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया। दरअसल ये लोग रोजी पेलम पाल करने लगते हैं और इससे उसके बाप को थोड़ा शक होने चालू हो जाता है और वो ये देखने के लिए घर में कैमरा लगाता है कि उसके पीठ पे ये लोग क्या करते हैं। इसलिए जब वो ये कैमरा लगाते हैं, तब उसे सब समझ जाता है कि ये लोग उसके पीठ पीछे क्या क्या करते हैं। आगे जीवन की माँ उसके बाप को समझाती है कि वो अब उसके बेटे से प्यार करती है, उससे नहीं। तभी जीवन के बाप को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है जीवन की नई माँ जीवन के ही बेटे की माँ बनने वाली होती है, और फिर जीवन, जीवन की माँ और जीवन का बाप तीनों साथ रहते हैं और मूवी वही ख़त्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।